सब्सक्राइब कीजिए बेसिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए ज्ञान से भरी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे डिबेंचर्स के बारे में कि बेसिकली डिबेंचर्स होता क्या है। जब भी किसी कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी शेयर इशू करती है। लेकिन अगर मान लो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को ना बढ़ाना चाहे, तो वो पब्लिक से मनी बोरो कर सकती है, मतलब उधार पर ले सकती है कुछ सर्टिफिकेट इशू करके, जिन्हें हम डिबेंचर्स बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है। डिबेंचर्स के फीचर्स को मैं आपको शेयर के साथ कंपेयर करके बताता हूँ, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, फर्स्ट है डिबेंचर्स होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कैरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिटर्स मतलब होता है जिनको हमें पैसा देना होता है, तो कंपनी को उसके डिबेंचर होल्डर को सारा पैसा वापस देना होता है, वो भी फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ, जैसे लोन में होता है। लेकिन शेयर्स में कंपनी को पैसा वापस नहीं करना होता, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स को कंपनी में हिस्सेदारी देती है। सेकेंड है डिबेंचर्स इज रिडीमेबल आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। डिबेंचर्स जो है वो सिर्फ फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही दिए जाते हैं, और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है उन डिबेंचर्स को पेमेंट करके रिडीम कर लिया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक कंपनी की रिडम्पशन डेट 10 साल से एक्सीड नहीं कर सकती। थर्ड है कि डिबेंचर्स में आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हम उसे पैसे के बदले में कोई सिक्योरिटी देनी होती है, मतलब कुछ गिरवी रखना होता है, ताकि अगर कल को लोन ना चुका पाएं तो वो उस सिक्योरिटी को बेच के पैसे निकाल ले। वैसे ही कंपनी के डिबेंचर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या होगा, आप कंपनी को पैसे दोगे तो कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर आपको कोई एसेट मोर्गेज पे दे देगी, जिससे आप सिक्योर हो जाओगे कि कल को अगर कंपनी मान लो बंद हो जाती है या फिर भाग जाती है, तो आपके पास वो सिक्योरिटी रहेगी जिससे आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में क्या होगा कि आप कंपनी को बिना किसी सिक्योरिटी के पैसा क्रेडिट पे दे रहे हो, कंपनी की रेपुटेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी पिछले 5 सालों से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, तो ऐसे केस में कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने के लिए सिक्योरिटीज़ नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि लोग कंपनी की रेपुटेशन के बेसिस पर डिबेंचर्स खरीद लेते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी को कल को अपने पैसे वापस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस इट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है उसे कंपनी के प्रॉफिट से कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तब भी उतना इंटरेस्ट मिलेगा, एंड कम प्रॉफिट हुआ है तब भी उतना इंटरेस्ट मिलेगा। इस इंटरेस्ट को कंपनी अपना टैक्स कम करने के लिए एक्सपेंसेस में शो कर सकती है। फिफ्थ है डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट इन्जॉय वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर्स के अंदर शेयर होल्डर्स को कंपनी की ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जैसे कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एटसेट्रा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को कोई राइट्स नहीं मिलते, क्योंकि वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, तो वो कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सिक्स्थ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल इवन इफ देर इज लॉस। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट हर हालत में पे किया जाएगा, चाहे कंपनी लॉस में क्यों नहीं जा रही हो, और वो भी फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ, जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस केस में कुछ नहीं दिया जाता। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम डिबेंचर्स को भी शेयर की तरह बेच सकते हैं, तो आंसर है येस, आप डिबेंचर्स को भी बेच सकते हो, बट शेयर्स की तरह नहीं। शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक मार्केट के थ्रू होती है, लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होता। डिबेंचर्स को बेचने के लिए डिबेंचर होल्डर्स अपने ब्रोकर के थ्रू किसी और पर्सन को बेच सकता है। अब ये काम भी दो तरह से हो सकता है, फर्स्ट कि आप अपने ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करो एंड आपका ब्रोकर अपनी तरफ से ही खरीदार ढूंढ ले। सेकंड कि आप खुद किसी पर्सन को ढूंढो और अपने ब्रोकर को उसकी डिटेल्स दे दो, ताकि वो उसके थ्रू सेल हो जाए। इसमें जो सेकंड वाला मेथड है वो बहुत ही कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बेटर होता है डिबेंचर्स को बेचने के लिए। डिबेंचर्स को डिबेंचर होल्डर तभी बेचता है जब उन्हें बहुत ही अर्जेंट पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि डिबेंचर्स में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो अगर आप डायरेक्ट बेचने जाओगे तो उसमें आपको लॉस ही होगा। तो ये थे कुछ डिबेंचर्स के फीचर्स। अब बात करते हैं डिबेंचर्स के टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली डिबेंचर्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बी बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में होता है कि जो भी डिबेंचर होल्डर है उसकी प्रॉपर डिटेल्स कंपनी के रजिस्टर में लिखी होती हैं, तो वो डायरेक्टली अपने डिबेंचर्स को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके लिए उसे पहले जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनसे सैंक्शन करवाना पड़ेगा। बियरर डिबेंचर्स में क्या होता है, जो डिबेंचर होल्डर को सर्टिफिकेट मिला है उसके ऊपर उसकी कोई डिटेल्स नहीं लिखी होती, एंड कंपनी में भी नेम रजिस्टर नहीं होता है, तो ऐसे में बियरर डिबेंचर को सिर्फ उसके पोजीशन के हिसाब से ही ट्रांसफर किया जा सकता है। जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा वही उस डिबेंचर्स का होल्डर होगा, उसके लिए कंपनी में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी। इसके भी दो पार्ट्स हैं, ए रिडीमेबल डिबेंचर्स, बी इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर्स जो कंपनी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इशू कर सकती है, और जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद कंपनी वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करके उन डिबेंचर्स को रिडीम कर लेती है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स में कंपनी डिबेंचर्स को तब तक रिडीम नहीं कर सकती जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। इस तरह के डिबेंचर्स को इंडिया में इशू नहीं किया जाता है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। इसके पार्ट्स हैं, ए सिक्योर डिबेंचर्स, बी अनसिक्योर डिबेंचर्स। ये हम पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं।
फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, इसके अंदर आता है ए कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मतलब डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। कंपनी को इससे इसलिए फायदा होता है क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो कम इंटरेस्ट रेट पे भी इस टाइप के डिवेंचर्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें उन्हें ये ऑप्शन मिलता है कि वो अपने डिवेंचर्स को फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इशू करने से पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि एक डिवेंचर की वैल्यू के बदले कितने शेयर कन्वर्ट होंगे। वहीं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में ये सब फैसिलिटीज नहीं होती हैं कि डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सके। तो ये थे टाइप ऑफ डिवेंचर्स। दोस्तों डिवेंचर्स को बॉन्ड्स भी कहा जाता है, लेकिन इनमें कुछ हद तक डिफरेंस होता है। जनरली डिवेंचर्स कंपनी इशू करती है एंड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट इशू करती है। इसके बीच डिटेल में डिफरेंस हम अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, और इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।